हेलो डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम क्लास ट्वेल्थ की बुक फ्लेमिंगो के लेसन पोइट्स एंड पैनकेक्स के सबसे इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और इनका हिंदी में अनुवाद भी समझेंगे। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें संजीव गोस्वामी आपका सबसे पसंदीदा एजुकेशनल चैनल। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। व्हाट वर रॉबर्ट क्लाइव्स अचीवमेंट्स, रॉबर्ट क्लाइव की उपलब्धियां क्या थीं ड्यूरिंग हिज स्टे इन मद्रास, मद्रास में प्रवास के दौरान। ड्यूरिंग हिज स्टे इन मद्रास, मद्रास में अपने प्रवास के दौरान रॉबर्ट क्लाइव डिड अ लॉट ऑफ मूविंग, रॉबर्ट क्लाइव ने ढेर सारी अदला बदली की, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान गए। बिसाइड्स फाइटिंग सम इम्पॉसिबल बैटल्स, कुछ असंभव सी लड़ाइयाँ लड़ते के अलावा, इन रिमोट कॉर्नर ऑफ इंडिया, भारत के सुदूर कोने में। ही ऑल्सो मैरीड, उन्होंने शादी भी की, अ मैडन, एक लड़की से, इन सेंट मैरीज चर्च इन फोर्ट सेंट जॉर्ज इन मद्रास, मद्रास के फोर्ट सेंट जॉर्ज के मैरीज चर्च में। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। जेमिनी स्टूडियोज वाज द फेवरेट हॉन्ट ऑफ पोइट्स, जेमिनी स्टूडियो कवियों का सबसे प्रिय अड्डा था। हाउ, कैसे? आंसर, जेमिनी स्टूडियोज हैड एन एक्सलेंट मेस, जेमिनी स्टूडियो का भोजनालय बहुत अच्छा था। विच सप्लाइड गुड कॉफी एट ऑल टाइम्स ऑफ द डे, जिसमें सबसे अच्छी कॉफी उपलब्ध रहती थी दिन में भी, एंड फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द नाइट, और रात में भी अधिक से अधिक समय तक। अ कप ऑफ कॉफी वॉज रेदर सेटिस्फाइंग एंटरटेनमेंट, और एक कप कॉफी सबसे अच्छा मनोरंजन करती है। पोइट्स लाइक एस डी एस योगियार, सेंगु सुब्रमण्यम, कृष्णा शास्त्री एंड हरिंद्रनाथ चट्टोपाध्याय केम देयर, कवि जैसे कि एस डी एस योगियार, सेंगु सुब्रमण्यम, कृष्णा शास्त्री एंड हरिंद्रनाथ चट्टोपाध्याय भी वहाँ आते थे। दस इट वॉज द फेवरेट हॉन्ट ऑफ पोइट्स, इस प्रकार ये कवियों का सबसे प्रिय स्थान था। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कंपेयर सुबू विद द ऑफिस बॉय, सुबू की तुलना ऑफिस बॉय से कीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। सुबू इज डिस्क्राइब्ड एज ए मल्टी टैलेंटेड जीनियस, सुबू को एक बहुमुखी प्रतिभा संपन्न व्यक्ति के रूप में दर्शाया गया है। बट द ऑफिस बॉय इज ए फ्रस्ट्रेटेड मैन, लेकिन ऑफिस में काम करने वाला लड़का बहुत ही हताश व्यक्ति दिखाया गया है। He wants to become a top actor or the best director. वह एक उच्च कोटि का कलाकार या निर्देशक बनना चाहता है। But his dreams are not fulfilled. लेकिन उसके सपने पूरे नहीं होते। He considers Subbu his greatest enemy. वो Subbu को अपना सबसे बड़ा शत्रु समझता है। In his opinion, उसकी राय में Subbu is the root cause of all his troubles. Subbu ही उसकी सारी समस्याओं की जड़ है। On the other hand, दूसरी ओर Subbu gives a new direction. Subbu एक नई दिशा देता है to Gemini Studios. Gemini Studios को as he knows all the technicalities of film making, क्योंकि वह फिल्म निर्माण की सभी तकनीकियों को समझता है। Where was the makeup department of the Gemini Studios situated? जेमिनी स्टूडियो का मेकअप डिपार्टमेंट कहाँ स्थित था, एंड हाउ वाज इट्स लुक, और ये कैसा दिखता था। द मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ द जेमिनी स्टूडियोज, जेमिनी स्टूडियोज का मेकअप डिपार्टमेंट वाज इन द अपस्टेयर्स ऑफ ए बिल्डिंग, एक बिल्डिंग के ऊपरी माले पर था। इट वाज बिलीव्ड, विश्वास किया जाता था, दैट दिस बिल्डिंग वाज वंस रॉबर्ट क्लाइव्स स्टेबल, एक समय रॉबर्ट क्लाइव का अस्तबल हुआ करता था। इट हैड द लुक ऑफ अ हेयर कटिंग सैलून, ये बना श्रृंगार और बाल संवारने के कमरे के भांति दिखता था। विद लाइट्स ऑफ ऑल एंगल्स अराउंड हाफ अ डजन मिरर्स, जिसमें लगभग आधा दर्जन बड़े बड़े शीशे थे और हर कोण पर रोशनी थी। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे फ्रेंड्स। व्हाट कॉज द लैक ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द इंग्लिशमैन एंड द पीपल एट जेमिनी स्टूडियोज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंग्रेज और जेमिनी स्टूडियो में उपस्थित लोगों के बीच कम्युनिकेशन यानी कि बातचीत होने में क्या कमी थी, क्यों नहीं हो पाती थी। आंसर देखें, द पीपल एट जेमिनी स्टूडियोज वर तमिल स्पीकिंग, जेमिनी स्टूडियोज में जो लोग काम करते थे वो तमिल बोलने वाले थे। दे कुड नॉट नो व्हाट द इंग्लिश मैन वॉज टॉकिंग अबाउट, वे नहीं समझ सक रहे थे कि अंग्रेज क्या बात कर रहा है।
हिज एक्सेंट वॉज द मेन थिंग, और जो उनका उच्चारण था वो सबसे बड़ा कारण था, दैट कॉज द लैक ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन देम, जो उनके बीच संचार की बहुत बड़ी कमी का कारण बना। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। संजीव गोस्वामी, बाय।